कभी अगर आपके मेनलाइन के स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे बिना किसी टेक्नीशियन की मदद से कैसे निकाल सकते हो, यानी अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक फाइव पी वी का स्टेटस रखा हुआ है, अक्सर घर में यही लगा हुआ होता है मेनलाइन पर। और अगर रात में या किसी ऐसे टाइम पर कोई दिक्कत आ जाती है, हाई वोल्टेज दे दिया या फिर ऑफ हो गया, लो वोल्टेज देना शुरू कर दिया, तो हम चाहते हैं कि यार किसी तरीके से इसे डायरेक्ट कर दें, यानी इसे हटा कर अपनी लाइन डायरेक्ट कर लें। बट जब तक कोई इलेक्ट्रिशियन हमारे पास नहीं होता, हम ऐसा नहीं कर पाते। मैं आपको उसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी एमसीबी गाएंगे, एमसीबी गाने से हमारा स्टेटर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम इसे पीछे की साइड देखेंगे। एक साइड में आपने देखा होगा, ये अक्सर एक करेक्टर लगा हुआ होता है, इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं, इन एन और आउट। इनका मतलब जो हमारे फेजेस के अंदर आ रहा है, एन फॉर न्यूट्रल और आउट जो ये करंट बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हमने इसकी एमसीबी करा दी, और फिर उसके बाद में जो हमारा मेन लाइन मीटर से आ रहा है उसके बीच में कोई एमसीबी या कोई फ्यूज कनेक्टर वगैरह लगा हो तो पहले उसे निकालेंगे, ताकि यहाँ पर आने वाली लाइन बिल्कुल ऑफ हो जाए। फिर उसके बाद में हम इसका ये इनपुट वाला वायर खोलेंगे। इनपुट वाला वायर हमने खोला और ये आउटपुट वाला वायर भी खोल के ये दोनों इनपुट और आउटपुट वाला वायर आपस में मिला दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम अपनी मेन लाइन ऑफ करेंगे ताकि यहाँ पर करंट ना आए। अगर यहाँ पर करंट आएगा तो आपको बिजली का झटका लगने का चांस रहेगा। तो हमने इनपुट और आउटपुट वाला वायर निकाल के आपस में मिला दिया और उसको अच्छे तरीके से टेप कर देंगे। और उसके बाद में ये बीच में जो न्यूट्रल वाला वायर है, हम ये निकाल कर इसे अलग टेप करके रख देंगे, ताकि न्यूट्रल और फेस आपस में टच ना हो। और इनपुट और आउटपुट वाला वायर जब हम मिलाएंगे तो हमारी लाइन डायरेक्ट हो जाएगी, यानी हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। थैंक यू।